तीसरी टेक्निक को डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज द पकोमो कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल। आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी, कोकोमो की स्लाइड्स आपको नजर आ रही होंगी। नहीं, ये कोकोमो का जो मॉडल है, दिस इज एक्चुअली अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल। इसके डिफरेंट किस्म के वर्जन हैं इस वक्त इसका जो इंडस्ट्री के अंदर यूज हो रहा है, दैट इज द थर्ड लेवल ऑफ कोकोमो है। हम जो डिस्कस करेंगे वो इसका सिर्फ प्राइमरी लेवल है या फर्स्ट लेवल है, उसको डिस्कस करेंगे। बुनियादी तौर पे कोकोमो का मॉडल डिवाइस किया गया था फॉर द एस्टिमेशन ऑफ एफर्ट। ये नॉर्मली तौर पे एफर्ट को फोकस करता है एस्टिमेट करने के लिए, और एफर्ट को जब एस्टिमेट किया जाता है तो जाहिर है कि उसके लिए जो बुनियादी चीज़ चाहिए होती है वो साइज ही चाहिए होता है। साइज ऑफ द प्रोजेक्ट आपके पास होगा तो तभी आप जाके बाकी चीज़ों को एस्टिमेट कर सकते हैं। तो लिहाजा इस लिहाज से आप ये भी चीज़ देख सकते हैं, या आप जेन में हमें रखना चाहिए कि तो जौन सी मर्जी हम एस्टिमेशन टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, जो सबसे पहला काम हमारे पास होता है दैट इज द एस्टिमेशन ऑफ द साइज, वो साइज की एस्टिमेशन ही होती है। अब ये कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल जो है, जिसको हम कोकोमो फेमसली कहते हैं, इसके अंदर एफर्ट को एस्टिमेट करने का जो फॉर्मूला है वो ये आपको नजर आ रहा है। जी, सबको नजर आ रहा है? जी जी, स्लाइड पे नजर आ रही है आपको? एफर्ट को एस्टिमेट करने का फॉर्मूला नजर आ रहा है स्क्रीन पे? यस सर। ओके, देखिए इसके अंदर कहा गया है कि एफर्ट इज इक्वल टू EI into EAF. इसके अंदर E से मुराद एफर्ट है, EI से मुराद इनिशियल एफर्ट है, और EAF से मुराद एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर्स। इसमें अगर हम इनिशियल एफर्ट को एस्टिमेट कर लेते हैं और देन EAF की वैल्यू हमारे पास आ जाती है और दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एफर्ट आ जाएगी, जिसकी जो यूनिट होगी वो वही स्टैंडर्ड यूनिट है, दैट इज पर पर्सन मंथ। अब इसके अंदर हमें अब जानने की जरूरत है कि है इनिशियल एफर्ट क्या होती है और EAF एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर्स क्या होते हैं। तो इनको वन बाय वन देखते हैं कि ये क्या है, ये हमारे पास आ जाएंगे तो एफर्ट एस्टिमेट हो जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं EI क्या है या इनिशियल एफर्ट क्या होती है। इनिशियल एफर्ट का जो फार्मूला है वही आपके सामने नजर आ रहा है। साथ साथ नोट कीजिएगा तो जरा जेन में बैठना आसान हो जाएगा, स्लाइड्स नो डाउट आपको भेज दी जाएंगी, लेकिन साथ साथ अगर लिखते जाएंगे तो जरा जेन में ज्यादा बेहतर शक्ल के अंदर ये आनी शुरू हो जाएगी। तो EI जो है इनिशियल एफर्ट का ये फार्मूला है, दैट इज इक्वल टू A इंटू KDLOC रेज टू पावर B। इसमें फिलहाल सिर्फ KDLOC को देखें, A और B को बाद में देखते हैं वो क्या चीज है, पहले सिर्फ KDLOC को देख लें। KDLOC से मुराद है साइज ऑफ द प्रोजेक्ट। KDLOC से बनता क्या, 1000 डिलीवर्ड लाइन ऑफ कोड, 1000 डिलीवर्ड लाइन ऑफ कोड। देखें लाइन ऑफ कोड बेस्ड एस्टिमेशन के अंदर हमने साइज निकाला था लाइन ऑफ कोड के अंदर, ये वही चीज है लेकिन थोड़ा सा फर्क आ गया, तरीका भी वही है जो कि लाइन ऑफ कोड के अंदर हम एस्टिमेट करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन थोड़ा सा डेफिनेशन के अंदर फर्क है लाइन ऑफ कोड के अंदर। वहां पे लाइन ऑफ कोड से मुराद था जितनी भी लाइन ऑफ कोड आपके पास हैं उन सारों को आप काउंट करते हैं, यहां पे वर्ड इस्तेमाल कर लिया गया है डिलीवर्ड लाइन ऑफ कोड। 1000 तो जस्ट उसको यूनिट को छोटा करने के लिए किया गया है, लेकिन फर्क जरूर आ रहा है डिलीवर्ड लाइन ऑफ कोड का। तो डिलीवर्ड से मुराद क्या है कि सिर्फ उन लाइन ऑफ कोड की एस्टिमेशन के अंदर उनको लेके आएंगे जो फाइनली तौर पे आप अपने कस्टमर को डिलीवर करते हैं, उसको देते हैं, जो उसकी फाइनल प्रोडक्ट का कोड हिस्सा होता है सिर्फ उस काउंट को हम एस्टिमेशन के अंदर लेके आएंगे, बाकी को निकाल देंगे। अब ये कौन सा निकाला जाता है, ये अगर आपने प्रॉपरली कोडिंग को एंड तक लेके गए हों या आपने इंस्टॉल विजिट तक के लेवल तक गए हों जिसके अंदर हम कोड की इंस्टॉलेशन के स्टेप्स ले आते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि आपने जो कमेंट्स लिखे हुए होते हैं इसी तरीके के साथ बहुत सारा कोड आप ऐसा लिखा गया होता है, लेकिन एट द एंड वो आपके एप्लीकेशन का हिस्सा नहीं होता, लेकिन आप अपने काम को करने के लिए लिखते हैं, मुख्तलिफ ऑप्शंस को टेस्ट आउट करते हैं, लेकिन फाइनली सिर्फ एक चीज को रखते हैं, तो वो कोड जो कि फाइनली तौर पे प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं बनता उसको निकाल देते हैं और सिर्फ वो वाला कोड रखते हैं जो कि एप्लीकेशन का इंटेग्रल पार्ट होता है और जिसको साथ लेके चलना होता है और उसकी वजह से एप्लीकेशन सारी चलती है, सिर्फ वो वाला कोड रखते हैं। बहुत सारी लाइब्रेरीज आप पहले इंक्लूड करते हैं लेकिन फाइनली तौर पे जो लाइब्रेरीज की जरूरत नहीं होती
उनको आप वहां से निकाल लेते हैं। तो इस तरह से सिर्फ वो फाइनल कोड को यहाँ पे लिया जाता है, यहाँ उस एस्टिमेशन को सिर्फ रखा जाता है जो कि फाइनली तौर पे आप कस्टमर को डिलीवर करते हैं, जो एप्लीकेशन का लाजमी हिस्सा होता है, बाकी कोड को निकाल देते हैं। तो लिहाजा जो डिलीवर लाइन ऑफ कोड होता है वो रॉ लाइन ऑफ कोड से कम होता है। तो यहाँ पे कोकोमो के अंदर जो साइज एस्टिमेट किया जाता है दैट इज डिलीवर्ड लाइन ऑफ कोड, और इसको एस्टिमेट करने का तरीका वही है जो कि लाइन ऑफ कोड का है कि हिस्टोरिकल डाटा लिया जाता है। हिस्टोरिकल डाटा लेने के बाद उसके ऊपर फ्लक्चुएशन दी जाती है, मैक्सिमम डिलीवर्ड लाइन ऑफ कोड का, मिनिमम मोस्ट लाइकली का, फॉर्मूला प्रिसीजन का इस्तेमाल किया जाता है, हमारे पास एस्टिमेट आ जाता है। फिर अगर मल्टीपल लोग काम कर रहे हैं तो उन सब के फिगर्स को इकट्ठा करके फिर उनकी एवरेज ले ली जाती है, तो देन देन वी विल गेट दी डिलीवर्ड लाइन ऑफ कोड। तो ये 1000 डिलीवर लाइन ऑफ कोड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिया जाता है। तो अगेन यहाँ पे एक और चीज को आप नोट कर सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पर भी हम हिस्टोरिकल डाटा को यूज करते हैं, सो इट विल अगेन कोकोमो विल डिपेंडेंट हैवीली ऑन द हिस्टोरिकल डाटा। जितना अच्छा आपके पास हिस्टोरिकल डाटा होगा उतना ही आपका अच्छा मेच्योर किस्म का एस्टिमेट आएगा। तो ये होता है जनाब डिलीवर्ड लाइन ऑफ कोड जी। इस डिलीवर्ड लाइन ऑफ कोड के कॉन्सेप्ट की समझ आइए जी। यस ओके जी। अब अगर डिलीवर्ड लाइन ऑफ कोड की हमें समझ आ गई है, तो अब हम देखते हैं कि इसके साथ ये जो ए और बी के अल्फाबेट्स यूज किए गए हैं इनका मतलब क्या है। ए और बी जो है जी, हम ये कॉन्स्टेंट्स हैं, इनकी वैल्यू वैल्यूज जो हैं वो कोकोमो ने खुद से आपको दे दी हुई है। और वो वैल्यूज कौन सी हैं, वो ये है। असल में कोकोमो के अंदर इसको ध्यान के साथ समझिएगा कि कोकोमो जो है वो कहता है कि ए और बी की वैल्यूज को निकालने के, इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका प्रोजेक्ट किस किस्म का है। कोकोमो प्रोजेक्ट्स को 3 किस्मों के अंदर डिवाइड करता है, ये जो आपको नजर आ रही है, ऑर्गेनिक, सेमी डिटैच्ड, एम्बेडेड। ये वर्ड्स आपको थोड़े से मुश्किल नजर आ रहे होंगे लेकिन इनका मतलब बड़ा आसान है। ऑर्गेनिक वो प्रोजेक्ट होता है जो कि बड़ा सिंपल होता है, जिसको आप बार बार कर चुके होते हैं, उन प्रोजेक्ट्स को ऑर्गेनिक कहा जाता है। सिंपल प्रोजेक्ट्स ऑर्गेनिक, इनको ऑर्गेनिक के साथ आप लिख सकते हैं सिंपल प्रोजेक्ट्स। एम्बेडेड तीसरा यहाँ पे नजर आ रहा है, ये होते हैं जो बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स या बहुत कॉम्प्लेक्सिटी जिनकी बहुत ज्यादा होती है, वो एम्बेडेड प्रोजेक्ट्स होते हैं। और सेमी डिटैच जो दरम्यान में नजर आ रहा है, ये दरम्याने लेवल के एवरेज किस्म के प्रोजेक्ट्स होते हैं, जिनकी जिनके जो ऑर्गेनिक से ज्यादा होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, साइज ज्यादा होता है, लेकिन एम्बेडेड से कम होते हैं। तो ये दरम्यान में ये वाली किस्म लाई कर रही होती है। तो सबसे पहले आपने ये डिसाइड करना होता है कि आपका प्रोजेक्ट ऑर्गेनिक है, सेमी डिटैच है या एम्बेडेड है। तो जो भी आपके सामने में उसका डिसीजन आता है कि आपका प्रोजेक्ट, और ये नॉर्मली साफ नजर आ रहा होता है बाय कंपैरिजन, बाय एक्सपीरियंस, बाय डेटा, साफ नजर आ रहा होता है कि आपका प्रोजेक्ट किस कैटेगरी के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होता है। और अगेन देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, ये जस्ट एक कहने के कॉमन सा एक इन्फ्रेंस होता है कि आपका प्रोजेक्ट किस लेवल का है। जिस लेवल का है उसके लिहाज से आप देख सकते हैं कि अगर ऑर्गेनिक में आपकी कैटेगरी के अंदर आता है तो फिर ए की वैल्यू 3.2 है, ये खुद से कोकोमो ने आपको दे दी है कॉन्स्टेंट होगा, और बी की वैल्यू 1.05 है। इसी तरह से अगर सेमी डिटैच्ड है तो ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू 1.12 है, और अगर एम्बेडेड में है तो फिर ए की वैल्यू 2.8 है और बी की वैल्यू 1.20 है। और ये पावर में है, यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई होता नजर आ रहा होगा, ये मल्टीप्लाई में नहीं है बल्कि ये पावर में है, यानी 1.05 KDLOC की पावर है, इसी तरह 1.12 KDLOC की पावर है, इस तरह से 1.20 भी KDLOC की पावर है। यहां से आप देख सकते हैं कि बी जो है ये पावर के तौर पे इस्तेमाल हो। तो लिहाजा आपने करना क्या है इसमें, ए और बी की वैल्यू के लिए फर्स्ट यू नीड टू डिसाइड द टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, और जिस तरह का आपका प्रोजेक्ट है उसके रिस्पेक्टिवली आप ए और बी की वैल्यूज यहाँ से उठाएंगे, और साइज आपके पास ऑलरेडी होगा, यू विल इंसर्ट द वैल्यूज इन दिस फार्मूला, EI के फॉर्मूले में आप इंसर्ट करेंगे एंड यू विल गेट द इनिशियल एफर्ट। तो हमारे सामने इनिशियल एफर्ट आ जाएगी। सो दिस इज द वे टू एस्टिमेट द EI बाय यूजिंग द कोकोमो। जी जनाब EI की समझ आइए जी, इनिशियल एफर्ट जिस किस तरह से कैलकुलेट कर एस्टिमेट करते हैं। जी KDLOC को दोबारा से देख लें, देखें लाइन ऑफ कोड को, हमने लाइन ऑफ कोड बेस्ड एस्टिमेशन के अंदर देखा था कि ये हमारे पास वो लाइन ऑफ कोड होती है
जिनको हम कोड कर रहे होते हैं। देखिए कोडिंग करते हुए आपका अपना भी एक्सपीरियंस है कोडिंग करा कि कोड करते हुए आप बहुत सारा कोड ऐसा फाइनल स्टेज तक पहुंचते हुए ऐसा करते हैं जो कि फाइनली तौर पे आपके एप्लीकेशन का हिस्सा नहीं बनता, लेकिन आपने कोड किया हुआ होता है। बहुत सारे कमेंट्स के अंदर आप कोड ले जाते हैं जो कि आप जस्ट टेस्टिंग के लिए या जस्ट अपनी इंश्योरिटी के लिए लिख रहे होते हैं कि काम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। इस तरह से बहुत सारी लाइब्रेरीज आप शुरू के अंदर इंक्लूड करते हैं, बाद में आप निकाल देते हैं, उनकी जरूरत नहीं होती है, लेकिन उसको आपने निकाला हुआ, उनको आपने यूज किया हुआ होता है। इसी तरह से बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स होते हैं जिनको पहले आप बनाते हैं बाद में नहीं लेते हैं। तो इस तरह का बहुत, जब फाइनली आप फाइनलाइज करते हैं अपने कोड को, तो बहुत सारा कोड जो आपने लिखा हुआ होता है वो निकाल देते हैं। तो वो जो फाइनल कोड होता है सिर्फ वो KDLOC होगा जो डिलीवर किया, जो कि सिर्फ एप्लीकेशन का हिस्सा होगा, अननेसेसरी कोड को आप नहीं लेते हैं। तो कोकोमो जो है वो सिर्फ डिलीवर लाइन ऑफ कोड को लेता है जो आप फाइनली तौर पर अपने कस्टमर को देते हैं, जो कि एप्लीकेशन का सिर्फ हिस्सा रहता है, अननेसेसरी अनरिलेटेड कोड जो कि फाइनल स्टेजेस के ऊपर बन जाता है उसको निकाल देते हैं। तो डिलीवर्ड लाइन ऑफ कोड सिर्फ वो वाला कोड है जो कि फाइनली तौर पे एप्लीकेशन का हिस्सा होगा और उसको एप्लीकेशन यूज करेगी। जो बाकी का सारा कोड होता है उसका काउंट या उसका एस्टिमेशन डिलीवर्ड लाइन ऑफ कोड के अंदर नहीं लिया जाता है। अगेन इसके अंदर ये हमने कोडर्स ने नहीं करना होता, क्योंकि ये हम प्लानिंग कर रहे हैं ना, एस्टिमेट कर रहे हैं शुरू के अंदर, अभी तो प्रोजेक्ट चलना है, कोड तो भी होना है। तो हिस्टोरिकल डाटा को हम यूज करते हैं कि जो पहले इस तरह के प्रोजेक्ट्स हुए हुए हैं और डाटा सेंटर ने उसका डाटा मेंटेन किया हुआ है, उनके अंदर डिलीवर्ड लाइन ऑफ कोड कितना रहा, उस तरह WBS के कंपोनेंट्स को उठा के हम यूज करते हैं और उनका हिस्टोरिकल डाटा लेते हैं, फिर उसके ऊपर अपना नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस यूज करते हैं, डिस्कशन करते हैं, और डिस्कशन करने के बाद फाइनलाइज करते हैं प्रसीन फार्मूले को यूज करते हुए, तो और हमारे सामने एस्टिमेशन आने शुरू हो जाते हैं। तो सिर्फ डेफिनेशन का फर्क है, प्रोसीजर सेम वही लाइन ऑफ कोड वाला है, कि वो वाला कोड सिर्फ इसके अंदर उसको कंसिडर किया जाएगा, उसको उसके एस्टिमेशन के लिहाज से सारा काम किया जाएगा जो फाइनली तौर पर डिलीवर किया जाता है। ये 1000 लाइन ऑफ कोड का फॉर्मूला यूज किया जाता है, तो आप 3 करेंगे यहाँ पे, अगर 3000 टोटल है तो यहाँ पे फिगर 3 का आएगा। मोहम्मद अहमद, आपके सवाल का जवाब दिया गया कि 3000 लाइन ऑफ कोड है, तो यहाँ पे जब फिगर यूज की जाएगी तो वो 3 की आएगी, क्योंकि यहाँ पे 1000 का की फिगर को लिया जाता है। ओके जी, तो ये था हमारे पास EI को एस्टिमेट करने का तरीका। तो EI हमारे पास आ गया फॉर्मूले के लिहाज से, अब दूसरा रह गया एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर्स। एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर्स उसी तरह से हैं जिस तरह से फंक्शन पॉइंट एनालिसिस के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर्स से। यहां पे एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर्स को एक और नाम दिया जाता है विच इज नोन एज कॉस्ट ड्राइवर्स, इनको कॉस्ट ड्राइवर्स भी कहा जाता है। ये एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर्स हैं, इनको कॉस्ट ड्राइवर्स भी कहा जाता है, जैसे आप स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है कि इनकी हेडिंग कॉस्ट ड्राइवर्स की। यहाँ पे ये एक तरह की नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ही हैं। यहाँ पे 4 कैटेगरीज के अंदर कॉस्ट ड्राइवर्स को डिवाइड किया गया है, प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स, कंप्यूटर के एट्रीब्यूट, पर्सनल एट्रीब्यूट्स, प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट्स। ये फर्स्ट, ये असल में कोकोमो की तो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि इसने एक्सक्यूज मी, कि कोकोमो ने बहुत सारे ऐसे एट्रीब्यूट्स को, वेरिएबल्स को इन्वॉल्व किया जो कि पहले वाली टेक्निक्स के अंदर नहीं थे, जैसे इसमें कंप्यूटर एट्रीब्यूट्स और पर्सनल एट्रीब्यूट्स हैं और इधर प्रोजेक्ट के एट्रीब्यूट्स हैं, ये उस तरीके के साथ नहीं थे जिस तरह से इस कोकोमो ने इसके अंदर इनको इन्वॉल्व किया। तो ये लिस्ट है, अगेन इनकी लिस्टिंग को आप अलग से जब इसको रिवाइज करेंगे, इसको गौर से देखिएगा तो आपको इनकी समझ आएगी, लेकिन फिलहाल सिर्फ प्रोसीजर को देखें कि इनको हम कैसे यूज करते हैं या एस्टिमेट किस तरह से करते हैं। तो ये वाले एट्रीब्यूट्स हैं जिनको कॉस्ट ड्राइवर्स कहा जा रहा है। आगे एक स्केल चल रहा है, यहाँ पे स्केल क्या है, वेरी लो, लो, नॉमिनल, हाई, वेरी हाई। इससे मुराद क्या है, रिक्वायर्ड रिलायबिलिटी है। इसको अगर आप एवेल्युएट करते हैं वेरी लो के ऊपर, तो इसका मतलब है कि रिलायबिलिटी का जो फैक्टर आपके प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो रहा है वो मिनिमम है। डेटाबेस साइज है, इसको अगर आप एवेल्युएट करते हैं वेरी हाई के ऊपर, तो इसका मतलब ये है कि डेटाबेस का साइज की इन्वॉल्वमेंट या उसकी पार्टिसिपेशन की कंसिडरेशन बहुत ज्यादा है, यानी कि वेरी हाई की तरफ जाके इन्वॉल्वमेंट मैक्सिमम हो जाती है और वेरी लो के ऊपर जाके इन्वॉल्वमेंट या पार्टिसिपेशन मिनिमम हो जाती है। तो ये इसका स्केल है या रेटिंग है।
अब हम इसको जब एवेल्युएट करते हैं, जैसे रिक्वायर्ड लाइबिलिटी है, इसको अपने नॉमिनल के ऊपर अगर आपने रेट किया या आपके सामने असेसमेंट आई है, तो आप नीचे देखें वैल्यूज आ रही हैं। दीज आर ऑल वैल्यूज विच आर इन द बॉक्सेस, दीज आर द कॉन्स्टेंट्स विच आर ऑलरेडी एस्टिमेटेड एंड एवेल्युएटेड बाय द कोकोमो इटसेल्फ। एंड वही चीज़ है कॉन्स्टेंट्स के लिहाज से जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, इन कॉन्स्टेंट्स को मुख्तलिफ वायर्स के ऊपर एग्जीक्यूट करके उनका बेस्ट ऑप्टिमम वैल्यू निकाल ली गई है। तो कोकोमो ने यह काम आपको करके दे दिया है, आसानी दे दी है कि अगर आप रिक्वायर्ड रिलायबिलिटी है उसके लिहाज से किसी भी जगह के ऊपर आप रेट करते हैं, तो इनमें से जहां पे आप रेट अगर हाई रेट कर रहे हैं तो 1.5 की वैल्यू को उठा लेंगे, अगर वेरी हाई पे रेट करते हैं तो 1.4 की वैल्यू को उठा लेंगे। तो जो भी आपकी असेसमेंट आती है उसके लिहाज से आप वैल्यूज हर एक एट्रीब्यूट के लिहाज से उठाते चले जाएंगे। जहां भी ये बॉक्सेस आपको खाली नजर आ रहे हैं तो इनकी कंसिडरेशन नहीं है, उनको आपने वेकेंट छोड़ देना है। तो इस तरह से आप हर एक एट्रीब्यूट को असेस करेंगे और उसकी रिस्पेक्टिव वैल्यू जहां पे जो आ रही होगी उसको आप निकाल देंगे। जब आप सारे की सारे एट्रीब्यूट्स को असेस कर लेंगे, एवेल्युएट कर लेंगे, और एवेल्युएट करने के बाद उनकी वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करके आप ले आएंगे, तो अब याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा इसको, कि सारी वैल्यू जितनी आप एक्सट्रैक्ट कर लेंगे उन सबको आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है। आई अगेन रिपीट, व्हेन यू विल असेस ऑल द एट्रीब्यूट्स एंड यू एक्सट्रैक्ट द रिस्पेक्टिव वैल्यूज फ्रॉम दिस टेबल, एट द एंड ऑल द वैल्यूज विल बी मल्टीप्लाइड विद ईच अदर, नॉट एडिड, मल्टीप्लाई करना है आपने। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जितनी वैल्यूज आएंगी, वो जो भी वैल्यू आएगी दैट विल बी द एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर फॉर द प्रोजेक्ट, वो ई ए एफ की वैल्यू होगी। इसलिए याद रखिएगा, अगर कोई ऐसा एट्रीब्यूट आपके पास आ रहा है जो कि आपके प्रोजेक्ट के रिलेटेड नहीं है या जिसकी कंसिडरेशन बहुत कम है, तो उसको आपने जीरो वैल्यू नहीं देनी है। अगर जीरो वैल्यू देंगे तो आपका सारा का सारा आंसर एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर का जीरो हो जाएगा, उसको आपने इग्नोर कर देना है, कोई भी वैल्यू नहीं देनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक प्रोजेक्ट आता है, उसके अंदर ये सारे के सारे एट्रीब्यूट्स नॉमिनल के ऊपर जाके अवेल्युएट होते हैं। तो जरा देखिए नॉमिनल की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, वन, सब की वैल्यू वन आएगी। सब को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर कितना आएगा, वन ही आएगा। तो जितना साइज होगा उतनी ही एफर्ट आएगी आपके पास। तो इस वजह से ये इस चीज को अपने ध्यान में रखना है। और अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये वेरी लो के अंदर सारे के सारे एट्रीब्यूट फॉर एग्जाम्पल आपके पास आ रहे हैं और यहाँ पे कंप्यूटर एट्रीब्यूट्स हैं वो चारों के चारों वेकेंट पड़े हुए, तो यहाँ पे हमें जीरो नहीं देना अगर, और डेटाबेस साइज जीरो नहीं देना, और ये देंगे तो आपका पूरी एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर्स जीरो हो जाएंगे और आपकी साइज को भी वो जीरो कर देगा और आंसर गलत होगा। तो इसलिए मल्टीप्लाई करने की वजह से जो वैल्यूज आ रही हैं आपने उनको रखना है, और जो एट्रीब्यूट आपके प्रोजेक्ट के रिलेटेड नहीं है उसको इग्नोर कर देना है, और जो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा दैट विल बी द एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर। और ये आने के बाद हम फार्मूला के अंदर इंसर्ट करेंगे तो हमारे सामने एफर्ट आ जाएगी इन द टर्म्स ऑफ पर्सन मंथ। तो ये है जनाब इसका इनिशियल लेवल कोकोमो का, जिसके अंदर हम इस तरीके के साथ एफर्ट को एस्टिमेट करते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है जी, ऐसा ये जो हमने ईएएफ के जो पीछे वैल्यूज के लिए रेटिंग्स चूज की हैं, ये हम किस बेस पे करेंगे कि मतलब हमने हाई करनी है कि हमने वेरी लो करनी है कि क्या चूज करनी है हमने, ये किस बेस पे करेंगे चूज हम? नहीं देखिए, स्केल जो होता है ना वो आपके सामने ऑप्शंस लेके आता है। जैसे यहाँ पे स्केल के अंदर पांच ऑप्शंस हैं आपके पास, कि आपने अपने असेसमेंट इन पांच ऑप्शंस के ऊपर करनी है कि आपका प्रोजेक्ट किस ऑप्शन के ऊपर लाए कर रहा है किसी भी एट्रीब्यूट के लिहाज से। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी है, आप देखेंगे कि इन पांचों में से आपका प्रोजेक्ट वेरी लो, उसके प्रोडक्ट की कम्प्लेक्सिटी के लिहाज से आप असेसमेंट करेंगे, ब्रेनस्टॉर्म करेंगे हिस्टोरिकल डाटा की बुनियाद पे, अवेलेबल इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे, अपने नॉलेज एक्सपीरियंस स्किल्स की बुनियाद पे, कि प्रोडक्ट की कम्प्लेक्सिटी वेरी लो है नॉमिनल है, हाई है, वेरी हाई है। फॉर एग्जाम्पल आप अपनी सारी चीज़ों को मद्देनजर रख के, हिस्टोरिकल डाटा वगैरह, स्किल एक्सपीरियंस वगैरह, इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रख के आप कहते हैं जी हमारी जो प्रोडक्ट कम्प्लेक्सिटी है वो हाई है, तो आप कौन सी वैल्यू उठाएंगे, 1.15। तो इस और फॉर एग्जांपल एक दूसरे केस के अंदर आप समझते हैं कि ये लो है प्रोडक्ट कम्प्लेक्सिटी, आपके प्रोडक्ट की कम्प्लेक्सिटी लो की कैटेगरी में है, तो फिर आप वैल्यू कौन सी उठाएंगे, 0.85।
इन दिस वे यू विल डिसाइड अबाउट द रेटिंग और असेसमेंट ऑफ दीज एट्रीब्यूट्स। इस स्केल की बुनियाद पे आप डिसाइड करेंगे। जी सर तो फिर गार्डियन, हम ये, सर तो हम ये रैंडमली कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर एक बंदे के लिए किसी प्रोजेक्ट की वो कॉम्प्लेक्सिटी नॉर्मल है, और हो सकता है दूसरे के लिए वो बहुत वेरी हाई हो, हाँ जी, तो ऐसे हो ये सकता है जी सर? बिल्कुल ऐसे ही होता है, ये टीम में किया जाता है। किसी एक बंदे को, एक बंदा ही सारी एस्टिमेशन नहीं कराता, आप दो तीन लोगों को ये कहते हैं, और वो सारे जो अपना अपना रिजल्ट ले आते हैं तो उसकी फिर एवरेज निकाल ली जाती है। या जो डिस्कशंस के अंदर जिसकी ओपिनियन के ऊपर ज्यादा प्रोजेक्ट मैनेजर समझता है कि ये ज्यादा बेहतर इसने काम किया हुआ है, ज्यादा थारो है, ज्यादा रिलायबल है, ज्यादा उसके अंदर रियलिटी और फैक्ट्स की बुनियाद के ऊपर और कॉन्सेप्ट की बुनियाद पर किया होता है, तो वो वाली फिगर्स ले लेते हैं। तो ये इसी वजह से मल्टीपल लोगों से ये काम करवाया जाता है, ताकि उसके अंदर ज्यादा लोगों की ओपिनियन इन्वॉल्व हो जाए, और उससे हम बेहतर ओपिनियन बना सके, हम बेहतर मेच्योर्ड एस्टिमेट जो है वो निकाल सके। तो ऐसा ही होता है, और ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिल्कुल आता है। और लेकिन ये है कि क्योंकि लोग एक ही लेवल के तकरीबन, यानी कि 19-20 के फर्क के साथ तकरीबन एक ही लेवल के ऊपर उनकी स्किल्स होती हैं, नॉलेज होता है, एक्सपीरियंस होता है, और इन्फॉर्मेशन सेम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता है। लेकिन ये है कि मेच्योरिटी आ जाती है, और चीज के ऊपर डिस्कशन करने के बाद कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। तो आपकी बात सही है, उसमें डिफरेंस आ सकता है, लेकिन उसको फिर इस तरह से एडजस्ट कर लिया जाता है। ओके सर, और भी किसी का भी सवाल है तो बताइएगा। ओके जी, विद दिस दैट इज द एंड ऑफ द एस्टिमेशन, द टॉपिक ऑफ एस्टिमेशन। तो हमने ये तकरीबन ढाई टेक्निक्स की हैं, ये कोकोमो की पार्ट टेक्निक हमने पार्शली की है, ये मुकम्मल नहीं है। इसका जो एडवांस लेवल है बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसमें बहुत ज़्यादा इक्वेशन यूज होती हैं, मॉडलिंग इस्तेमाल होती है, इंटीग्रेशन यूज होती है, लेकिन आपके कोर्स के अंदर इसको इतना ही रखा गया है। बाकी आगे जाके जब आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स पढ़ेंगे या कोई और एडवांस कोर्स कर पढ़ेंगे, तो इनकी मज़ीद डिटेल्स भी आपके सामने आएंगे। तो ये जनाब था एस्टिमेशन का टॉपिक। अगेन इस सारे को टेक 1 मिनट, और इसको जरा दोबारा से पूरे एस्टिमेशन के टॉपिक को देख लें, और कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। अब थोड़ा सा आगे मूव करते हैं जी। अब हमारा एक थोड़ा सा इंडिपेंडेंट टॉपिक एक स्टार्ट हो रहा है, जो कि स्केजुलिंग के रिलेटेड है। टॉपिक है क्या, उसके लिए जरा मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ, इसको जरा देखिएगा। सर एक क्वेश्चन है जी जी पूछें। सर, ये जो हमने कॉस्ट ड्राइवर्स के एट्रीब्यूट्स पढ़ी हैं, हर एक एट्रीब्यूट के क्रॉस हमने कोई ना कोई वैल्यू लेनी है। जी, आप हर एक एट्रीब्यूट को इंडिविजुअली तौर पे लेंगे, और उसके बाद असेस करेंगे कि आपके प्रोजेक्ट के ऊपर उसकी क्या पोजीशन आ रही है। उसकी पोजीशन लो है, वेरी लो है, नॉमिनल है। जी सर जी अगर बोल कोई एट्रीब्यूट मतलब हमारे प्रोजेक्ट में अफेक्ट नहीं करती, तो वो हम ना लिखें उसकी जगह। जी, उसको इग्नोर कर दो। जीरो वैल्यू नहीं उसकी लेनी, उसको जस्ट इग्नोर कर दो। जी ठीक है गॉट सर, पॉइंट जी। थैंक यू। जी आपको ये स्क्रीन नजर आ रही होगी, जिसमें मुख्तलिफ एक्टिविटीज दो डायग्राम्स के अंदर दिखाई जा रही हैं। जी ये स्क्रीन नजर आ रही है आपको? अच्छा जी, इसमें जरा इस स्क्रीन के ऊपर देखिए, एक ऊपर आपको स्ट्रेट लाइन के अंदर एक्टिविटीज नजर आ रही हैं, यानी कि ये एक ही, फर्ज कर लें कि ये एक ही प्रोजेक्ट है और उसको दो शक्लों के अंदर स्केड्यूल किया गया है। पहले के अंदर दो एक्टिविटीज हैं ए और बी। स्टार्ट के बाद ए एक्टिविटी आ रही है, वो 10 दिन की है। उसके बाद बी एक्टिविटी आ रही है, ये 20 डेज की है। ए खत्म होगी तो बी स्टार्ट होगी, और उसके बाद ये प्रोजेक्ट एंड हो जाएगा। अब इस चीज को जरा अगर आप गौर से देखें, ये पहले वाली डायग्राम के अंदर, तो इस प्रोजेक्ट की टोटल ड्यूरेशन कितनी होगी जरा बताएं जी। जिसमें एक्टिविटी ए पहले कंप्लीट होगी, जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो बी स्टार्ट होगी, वो कंप्लीट हो जाएगी तो प्रोजेक्ट एंड हो जाएगा। तो टोटल इस प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन कितनी होगी जी?
जी 30 डेज, बिल्कुल सही कहा आपने कि पहले एक एक्टिविटी चलेगी, पहली एक्टिविटी 10 दिन की है, ये कंप्लीट हो जाएगी तो फिर 20 दिन बी पे लगेंगे, तो 10 दिन पहले के 20 दिन इसके, तो 30 दिन के अंदर ये एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी। अब नीचे वाली डायग्राम पे आ जाए, इसके अंदर देखें अब ये ए और बी दोनों एक्टिविटीज पैरेलल चल रही है, अब वन आफ्टर दी अदर नहीं है, दोनों इकट्ठी स्टार्ट हो रही है, ए के ऊपर 10 दिन लगेंगे, बी के ऊपर 20 दिन लगेंगे और प्रोजेक्ट एंड हो जाएगा जब दोनों एक्टिविटीज कंप्लीट हो जाएंगी। अब इस दूसरी डायग्राम के लिहाज से बताएं कि अब इस प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन कितनी होगी, 20 दिन की, बिल्कुल सही कहा जी आपने। अब जरा नेक्स्ट स्टेप पे आए, अब नीचे वाले डायग्राम पे जस्ट आपने कंसंट्रेट करना है, इसमें जरा ये देखें कि इस डायग्राम के अंदर जिससे सेकंड है, इसमें बी एक दोनों एक्टिविटीज पैरेलल चल रही हैं, बी एक्ट और पूरी प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन 20 दिन की है, बी एक्टिविटी भी 20 दिन की है, अगर आप 20 दिन की बजाय बी एक्टिविटी को 21 दिन में ले जाएं तो प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन कहां पे जाएगी, 20 दिन ही रहेगी या 21 दिन पे चली जाएगी, 21 पे चली जाएगी, इसका मतलब डेडलाइन वायलेट हो जाएगी। अब सेम पोजीशन ए के ऊपर जाकर देखें, ए 10 दिन की है लेकिन इसको अगर हम 1 दिन डिले दे देते हैं, ये 11 दिन में करते हैं, तो क्या डेडलाइन के ऊपर कोई असर पड़ेगा, जो 20 दिन की डेडलाइन है क्या वहीं पे रहेगी या एक्सीड कर जाएगी, ये बिल्कुल कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि 11 दिन की बजाय आप उसके अंदर 10 दिन मजीद भी डिले दे दें फिर भी डेडलाइन 20 दिन की रहेगी। हाँ अगर 11 दिन की देंगे ए एक्टिविटी को डिले दे देंगे तो फिर इसको आएगा, इसका मतलब है ए एक्टिविटी के अंदर 10 दिन का कुशन अवेलेबल है कि अगर ए एक्टिविटी को 10 दिन के लिए डिले दे भी दिया जाए तो डेडलाइन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन बी एक्टिविटी के ऊपर अगर आपने 1 दिन का भी बल्कि 1 सेकंड का भी डिले दिया तो डेडलाइन भी उतने टाइम के लिए डिले हो जाएगी। अब इस चीज को जरा गौर से देखें और समझिए क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर द प्रोजेक्ट मैनेजर कि व्हाट आर दोज एक्टिविटीज वेयर वी हैव द कुशन व्हिच कैन बी यूज्ड टू मैनेज और कंट्रोल द प्रोजेक्ट एंड वेयर देर इज नो क्वेश्चन अवेलेबल। जैसे बी एक्टिविटी है, इसमें कोई क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है, इसको अगर थोड़ा सा भी आपने डिले किया तो आपकी डेडलाइन मुतासर होगी, लेकिन यहाँ पे इस एक्टिविटी को 10 दिन के लिए भी अगर आप डिले दे देते हैं तो डेडलाइन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए कि उसको पता हो कि किस एक्टिविटी के अंदर कोई क्वेश्चन अवेलेबल है या नहीं। अब जरा इस कॉन्सेप्ट को जिसको हमने डिस्कस किया है इसको जरा वोकैबुलरी के लिहाज से या पर्टिकुलर वर्ड्स के लिहाज से नोट कर लें, लिखें नोट करें। फर्स्ट द क्रिटिकल एक्टिविटी, क्रिटिकल एक्टिविटी, क्रिटिकल एक्टिविटी कौन सी होती है, जैसे बी है, दोज एक्टिविटीज, क्रिटिकल एक्टिविटीज की डेफिनेशन है कि दोज एक्टिविटीज विच हैव नो स्लैक टाइम, स्लैक SLACK, स्लैक टाइम, स्लैक और फ्लोट टाइम, क्रिटिकल एक्टिविटीज और दोज एक्टिविटीज विच हैव नो स्लैक और फ्लोट टाइम। आप स्लैक और फ्लोट टाइम की डेफिनेशन लिखें कि स्लैक टाइम या फ्लोट टाइम क्या होता है, कि स्लैक और फ्लोट टाइम इज द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्टिविटी, स्लैक और फ्लोट टाइम इज दैट ड्यूरेशन ऑफ एन एक्टिविटी फॉर विच इफ इट इज Delayed, there will be no effect on project deadline. Slack or flow time is the duration of an activity for which, if it is delayed, there will be no effect on project's deadline. अब क्रिटिकल टाइम, क्रिटिकल एक्टिविटी का जो स्लैक टाइम या फ्लोट टाइम है वो 0 होता है या नहीं होता है,
क्योंकि उसमें अगर होगा तो वो डेडलाइन के ऊपर असर पड़ेगा जी। ये क्लियर हुआ है जी, क्रिटिकल एक्टिविटी क्या होती है और स्लैक टाइम फोर टाइम क्या होता है। इसी तरह से अब यहां से आप नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी की डेफिनेशन ड्राइव कर सकते हैं। तो क्या होगी बोला, नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, अगर कोई बताना चाहे तो माइक ऑन करके बताए। जी एग्जैक्टली, जो एक नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी का कुछ ना कुछ स्लैक टाइम लाजमी होगा, यानी कि उसका 0 से ज्यादा 1 डे 2 डे 3 4 डे कुछ ना कुछ उसका स्लैक टाइम जरूर होगा। वो हमारे पास क्वेश्चन अवेलेबल होगा जो कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर यूज कर सकता है। तो इसकी फिर डेफिनेशन क्या हुई कि एक नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी इज दैट एक्टिविटी विच विल हैव सर्टन टाइम एज स्लैक टाइम और फ्लोट टाइम। A non-critical activity is that activity which has certain duration as slack time or अब जनाब अली, ये तो समझने के लिए हमने एक बड़ी छोटी सी एग्जांपल्स दी दो एक्टिविटीज की, और उसकी वजह से हमें क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज का कॉन्सेप्ट हमारे सामने आ जाता है। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो उसमें सिर्फ दो एक्टिविटीज नहीं होती, उसमें बहुत ज्यादा एक्टिविटीज होती है, 40, 50, 100, 200, इतनी इतनी एक्टिविटीज हो सकती हैं। तो उनका ये स्लैक टाइम निकालना जो है इस तरह से, जिस तरह से हमने आसानी के साथ निकाल लिया और देख लिया, वो आसान नहीं होता, वो आसान क्या पॉसिबल ही नहीं होता। तो उस उनके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की इस तरह एक्टिविटीज का जब हमारे सामने आती हैं तो उनके ये स्लैक टाइम निकालने के लिए हमें फिर पर्टिकुलर एक टेक्निक यूज करनी पड़ती है, एक तरीकाकार इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि सही तरीके के साथ सही स्लैक टाइम हर एक्टिविटीज के सामने आ जाएं और फिर उनको हम जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकें। तो उसको करने के लिए नोट कीजिए कि उसके लिए हमारे पास टेक्निक होती है विच इज नोन एज क्रिटिकल पाथ मेथड एनालिसिस। क्रिटिकल पाथ मेथड एनालिसिस फेमसली इट इज नोन एज सीपीएम एनालिसिस। सीपीएम एनालिसिस क्रिटिकल पाथ मेथड एनालिसिस एंड नोटेड कि ये आपकी बुक में नहीं है, ये इनके कल सेपरेटली हम कर रहे होंगे और उसका जो मटेरियल है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, तो इस वजह से इसको ध्यान के साथ देखिए। सीपीएम एनालिसिस आज हम इसके सिर्फ बेसिक्स करेंगे सीपीएम एनालिसिस की, यानी कि और जो डिटेल इसकी एग्जांपल है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। तो इस जो कुछ तो मैंने आपको ये भी हम आपके सामने रखी गई है कि एक क्रिटिकल एक्टिविटी क्या होती है, एक नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी क्या होती है, स्लैक टाइम क्या होता है। अच्छा, इसमें ओवरऑल इस चीज को हमने बड़ा वाजे तौर पे ध्यान में रखना है कि सीपीएम करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्योंकि ये सीपीएम और भी बहुत सारी जगहों पे यूज होता है, आर्मी के अंदर यूज होता है, शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल होता है, ये ट्रैफिक के रूट्स वगैरह को देखने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर हम सीपीएम एनालिसिस क्यों यूज करते हैं, ये चीज बड़ी वाजे होनी चाहिए, जो कि आपके सामने रखी भी गई है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर सीपीएम एनालिसिस इज यूज to identify the slack time of the activities। ये objective है इसका, यहाँ कि slack time हर activity का identify करने के लिए हम CPM analysis करते हैं। ये shortest path find out करने का objective नहीं होता सर, no doubt इसमें find out हो जाता है, longest path भी identify, सारे path identify हो जाते हैं, लेकिन जो main goal है CPM का project management के अंदर इस्तेमाल करने का, again repeat किया जा रहा है, इसको note कर लें। और ये common question है which is asked in the interviews, इंटरव्यूज वगैरह के अंदर, और वो पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर सीपीएम एनालिसिस करने का मकसद क्या होता है, टू आइडेंटिफाई द
स्लैक टाइम आर दी फ्लो टाइम आर एक्टिविटीज, ये आपने ध्यान में रखना। अच्छा जी, अब इसकी जो बेसिक्स हैं उसको जरा देख लें कि इसके अंदर इस तरह के हमारे पास जो सीपीएम एनालिसिस करने के लिए हमें तीन चीजें चाहिए होती हैं। सीपीएम एनालिसिस करने के लिए हमें तीन चीजें चाहिए होती हैं, वो ये एग्जांपल्स के डाटा के लिहाज से जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है इसको देखिए। ये तीन चीज आपको एक्टिविटीज का पता होना चाहिए। ये कहाँ से आती हैं? एक्टिविटीज हमारे पास आती हैं WBS से, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जो हमने डिस्कस किया था। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के जो लोएस्ट लेवल के ऊपर जो आपको नजर आती हैं आइटम्स नजर आती हैं, दोज आर दी एक्टिविटीज। तो उनको एरियाज के तौर के अंदर चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे ABCDEFG लिखा हुआ है, तो आप अपने WBS के अंदर अगर एक्टिविटीज के नाम लंबे नजर आ रहे हैं आपको तो आप इस तरह से उनको एरियाज दे सकते हैं, ABCDEFG अल्फाबेट्स को यूज करते हुए। तो एक चीज है सीपीएम करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक्टिविटीज। सेकंड, आपको प्रेडिसेसर्स चाहिए। प्रेडिसेसर्स से मुराद क्या है? डिपेंडेंसीज ऑफ द एक्टिविटीज। जैसे ये डायग्राम जो अभी हमने डिस्कस की इसके अंदर देखें तो ए एक्टिविटी का प्रेडिसेसर कौन है? स्टार्ट। ए एक्टिविटी का सक्सेसर कौन है? एंड। बी एक्टिविटी का प्रेडिसेसर कौन है? स्टार्ट। बी का सक्सेसर कौन है? एंड। तो इस सक्सेसर और प्रेडिसेसर का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ऊपर वाली डायग्राम के अंदर देखें, इसमें अगर बी एक्टिविटी को देखें तो बी का सक्सेसर एंड है। सक्सेसर क्या है? बाद में आने वाली एक्टिविटी, और ये मल्टीपल भी हो सकते हैं किसी दूसरे केस के अंदर। यानी कि अगर ए भी यहां से हम एरो लगा दें ए को एंड के ऊपर, तो एंड के जो प्रेडिसेसर है वो दो बन जाएंगे, ए बी और बी बी। तो प्रेडिसेसर और सक्सेसर का आपको कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए। उसके बाद ये है कि आपके एक्टिविटीज के अंदर यहाँ पे एक एक्टिविटी जब वन आफ्टर द अदर आ रहे होते हैं ना, तो उसको ओवरऑल जिम में रखिएगा, उसमें स्लैक टाइम के चांसेस नहीं होते। जैसे ऊपर वाले केसेस के अंदर आ रहा है ए और बी के अंदर, वो एक के बाद दूसरी स्टार्ट हो रही है तो नहीं आएगी। जहाँ पे पैरेललिज्म आएगा, जहाँ पे मतवाजी एक्टिविटीज चलेंगी, वहां पे स्लैक टाइम के आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एक और चीज को इस डायग्राम जो इस वक्त आपको दोनों नजर आ रही हैं मुख्तलिफ शक्लों के अंदर, इसको कहा जाता है नेटवर्क डायग्राम। ये नेटवर्क डायग्राम्स होते हैं एक प्रोजेक्ट के का नेटवर्क क्या है। तो इन नेटवर्क डायग्राम्स के अंदर हमने ये देखना होता है कि इसको शुरू स्टार्ट के पॉइंट से करते हैं, जो कि एक डमी एक्टिविटी होती है, एक पॉइंट होता है जस्ट, और इस आखिर में भी एक एंड पॉइंट हमने लाजमी देना होता है जहाँ पे जाके प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब है कि हर प्रोजेक्ट की नेटवर्क डायग्राम के अंदर एक कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट होगा और इस तरह से एक कॉमन एंडिंग पॉइंट होगा। जितनी एक्टिविटी शुरू के अंदर स्टार्ट हो रही होंगी वो सारी की सारी ओरिजिनेट होनी चाहिए स्टार्ट से, और इस तरह आखिर में जाके जितनी जो एक्टिविटीज एंड वाली होती है वो सारी भी टर्मिनेट होनी चाहिए कहाँ पे, एंड पॉइंट के ऊपर। तो ये कुछ कॉमन कॉन्सेप्ट्स थे सीपीएम को कंडक्ट करने के लिए, इनको आपने मद्देनजर रखना है, इनको देखिएगा, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सीपीएम की पूरी एक एग्जाम्पल एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि किस तरह से एक प्रॉपर प्रोजेक्ट के अंदर तमाम एक्टिविटीज के स्लैक टाइम आइडेंटिफाई करते हैं, और फिर उनका उनके मुख्तलिफ डायमेंशंस क्या हैं, उनके मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। सो दिस वाज द टुडेज लेक्चर। इसको सबको देना, अब एक बार देख लें, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।